तो फिर आपने क्या सोचा? तो फिर क्या आप वहाँ गए? तो फिर मैं क्या करूँ? तो फिर तुमने उसे क्या बताया? गाइस, ये सेंटेंसेस आप भी अपनी डेली स्पीकिंग में बहुत यूज़ करते होंगे। इंग्लिश में हम इन सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, आज की वीडियो में हम वही सीखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर गाइस, इस एक्सप्रेशन के लिए इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं सो देन का। सो देन सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सो देन, उसके बाद हम यूज़ करेंगे सेंटेंस जो भी आप बोलना चाहते हो। सो देन प्लस सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आपने क्या सोचा? सो देन व्हाट डिड यू थिंक? सो देन व्हाट डिड यू थिंक? तो फिर क्या आप वहाँ गए? सो देन डिड यू गो देयर? सो देन डिड यू गो देयर? तो फिर मैं क्या करूँ? सो देन व्हाट शैल आई डू? सो देन व्हाट शैल आई डू? तो फिर तुमने उसे क्या बताया? सो देन व्हाट डिड यू टेल हिम? सो देन व्हाट डिड यू टेल हिम? तो फिर तुमने कुछ कहा? सो देन डिड यू से समथिंग? सो देन डिड यू से समथिंग? तो फिर उसने कुछ कहा। गाइस, ये सेंटेंस आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, ऑल द बेस्ट, गुड लक, कीप लर्निंग।